सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल? आप देख रहे हो अपने भाई का चैनल बातचीत व्लॉग्स। तो गाइस अभी अभी आ चुका है कृष्णा का नया गाना जिसका नाम है शेर। तो अभी इस गाने का रिएक्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा है गाना, क्या है सीन, क्या है म्यूजिक, कैसा है और कैसे किस हद तक डिस किया गया है। तो फिर बनाते हैं वीडियो। तो शो एक मिनट, ये गाइस इसमें तो पूरी टीम है, मतलब कलमकार है, पूरा का पूरा कलमकार। मतलब गाइस मेरे को नहीं लग रहा था कि पूरा कलमकार, मेरे को लग रहा था कि दीप कालसी होगा और अपना कृष्णा होगा, बस ये दो बंदे होंगे। मेरे को लगा था कर्मा भी है इसमें गाइस, कर्मा भी है और जो पंजाबी वाला जो बंदा अपना वो भी है गाइस, चारों बंदे हैं इसके अंदर कलमकार के जो भी है। तो गाइस सीन बढ़िया होने वाला, गाना मेरे को अभी तक बढ़िया लग रहा है। तो गाइस इस गाने में आउटडोर शूट है, जब तक आप जितने भी डिश देख रहे थे उसमें आउटडोर शूट नहीं था, वो उनके स्टूडियो में होता था वो शूट, लेकिन इस गाने में ये आउटडोर शूट है। छोटी बातों पे यहाँ होते हैं दंगे, हाँ कृष्णा या मस्त मलंग, तू गली के खंबे पे कटी पतंगे, हाँ साथ तेरे सारे लफंगे, लौंडे या सारे दबंगे, हाँ मुझे अब देगा तो वीडियो तो तेरी चाहिए थी, मिलेगी मेरे ही साथ पलंग पे, हाँ रंग के गाने बना लो और नॉलेज भर डालो, इन साले गवारों को समझ नहीं आते, जितना भी आखिर कमा लो और हासिल कर डालो, ये पाब्लो पिकासो पर शक्ल बनाते, कानों में मीनिंग हटा दो और सिंपल बना दो, ये मेरी इन बातों को पकड़ ना पाते, अंडरग्राउंड रैप की करते ये बातें पर अंडरग्राउंड रैपर सिर्फ कब्र में पाते। बारी बारी लेंगे भाई, सब टाइम से फिर चारों बंदे आराम से लेंगे भाई। कस कस कर देने टाइट बलिया, टक देने थलों सिर युते करके, आओ आकड़ी नी छोटी रह गई हाइट बलिया, चेहरा ना गद्दारी सदा महंगी ही पैंदी, चीनी सी इज्जत भी बची नहीं रहती, जेने आने लाइन ने दलेर पड़ते, साड़ी मिल के दलेरी ओदी सारी ही कहती, शेरा नू हथ नहीं लाएदा, किसी दा हक नहीं खाएदा, रब तो डर के रहने हैं, ताइयों नहीं करो चकाएदा, चुप रहेगा तो इसमें तेरा है फायदा, वरना तू बेटे मर जाएगा, देख के रू भर जाएगा, हर जस गुस्से वाला कभी काबू नहीं आता, मैं हूँ चाचा चौधरी कोई साबुन नहीं आता, शुक्र कर साले तुझे मारा नहीं चाटा, तेरी माँ की आंखों में मैं आंसू नहीं चाहता, मेरे जैसा करे रैप सारे जैसे गली गली मैंने बच्चे दिए, काम सारे मैंने सच किए, कान नहीं कभी कच्चे किए, शायद तेरी किस्मत है या कर्म तूने थोड़े अच्छे किए, जा तुझे माफ किया तेरे बच्चे जिए, किथे सानू थले हलाउणगे ऐ तां कल्ली गल्लां ही बनाउणगे, गड्डी पिछे भौंकदी कतीड जिवें शेरां नू वे हथ किदा पाउणगे, किथे सानू थले हलाउणगे ऐ तां कल्ली गल्लां ही बनाउणगे, गड्डी पिछे भौंकदी कतीड जिवें शुक्रिया शेर करे सबने गाने शेर के, सुन के गाँव सन के फैले सारे सन की शहर के, शेर हूँ शिकारी हूँ मैं शेरों का लिखारी हूँ, जंगल देहरादून की जमी पे छपे पंजे मेरे पैर के, तो के ए हारे में बना में लगे मुझे मेरा दूसरा जन्म में लगे मुझे मेरे अपनों की दुआ है, टूटूंगा कभी ये गैरों का भरम है, गैरों का सनम भी हो रहा बेशरम, जब माइक के हाथ में स्टेज पे हूँ, दो साल करे मुझे 8 साल से मैं इसी रेंज में हूँ, तो आप लोग सारे मुझे लगते हो सांप लोग, तो ले हो सारे पीठ पीछे गिरगिट छाप, इसको बार ऐसा मारा लोग कहने लगे पाप, लो मैं 6 फीट ईगो मेरी साथ दो, किथे सानू थले हलाउणगे ऐ तां कल्ली गल्लां ही बनाउणगे, गड्डी पिछे भौंकदी कतीड जिवें शेरां नू वे हथ किदा पाउणगे, किथे सानू थले हलाउणगे ऐ तां कल्ली गल्लां ही बनाउणगे, गड्डी पिछे भौंकदी कतीड जिवें
मेरे को इस पूरे गाने में ये सीन लग रहा है ना, जब मुंगफाड़ ने जब बोल दिया ना कि पूरा कलमकार आ जाओ अब तो भाई पूरा कलमकार आ चुका है बजाने मुंगफाड़ की। पर अब देखने वाली बात गाइज ये होगी, अगर मुंगफाड़ गाना निकाल दे एक बढ़िया तो गाइज मैं मुंगफाड़ की तरफ हो जाऊंगा पक्का। क्योंकि गाइज सीन ऐसा है कि चारों बंदे ही ले रहे हैं, चारों मतलब सीन ऐसा है कि चारों बंदे मिलके मुंहफाड़ की ले रहे हो। वो कल रात को जो रागा का भी डिश आ गया था, रागा का भी डिश आ गया था, उससे भी मतलब मुंहफाड़ के अगेंस्ट मतलब कितने बंदे, 5 बंदे हो चुके हैं। और चैन के भी बीच में घुसने वाला है, शायद घुसे ना घुसे ये पक्का नहीं है, पर चैन के भी शायद बीच बीच में घुस जाए इनके। वो भी अपना डिश टैग उधर से बनाना चालू, ये भी डिश टैग बनाना चालू, भाई डिश डिश चलता रहेगा, कोई अपना तो कुछ करने वाला नहीं है मेरे को लग रहा है। और भाई मुंहफाड़ के अगेंस्ट भाई सब बंदे हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लग रहा क्या वो हो चुके ही हैं। मतलब देख लो गाइस शेर गाना निकाला, इतना बढ़िया शूट, आउटडोर शूट स्टूडियो में नहीं था इस बारी, बढ़िया शूट था, एक नंबर शूट था। और म्यूजिक बढ़िया, मतलब ले ली चारों बंदों ने ले ली भाई, मिल मिल के बारी बारी ले के बात करी है। तो गाइस मेरे को लगा नहीं था इसमें कर्मा होगा, गाइस कर्मा मेरे को लगा नहीं था कि कर्मा होगा, पर कर्मा ने भी बहुत अच्छा बोल दिया, मेरे को लगा नहीं था कि कर्मा आ जाएगा। तो भाई यही था गाइस इस वीडियो में, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं गाइस नई वीडियो में, व्लॉग्स ही आएंगे कुछ, मेरे को लग रहा है मैं व्लॉग्स बनाऊंगा। ये रिएक्शन मेरा यहीं तक तक कृष्णा और मुंहफाड़, क्योंकि मैं ये जो है रैप कल्चर से थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, अपना रिएक्शन चालू करते हैं, थोड़ा बहुत न्यू कंटेंट बना रहे। तो गाइस अब व्लॉग आएंगे शायद, और शायद नहीं व्लॉग्स ही आएंगे उसके बाद, कुछ बढ़िया बढ़िया होगा व्लॉग्स लाने वाला। तो इस चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मुझे लगते हो सांप ले तो ले हो सारे पीठ पीछे गिरगिट छाप, इसको बार ऐसा मारा लोग कहने लगे पाप, लो मैं 6 फीट ईगो मेरी साथ दो।